जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने व्यापारियों की समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन कर अनुपालन आख्या समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। व्यापारियों को नियमानुसार सेवाएं प्रदत्त कराई जाए जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने एजेंडावार विस्तृत समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि जनपद के जर्जर विद्युत तारों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दे, नालियों की सफाई तथा सड़कों के मरम्मत का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि मंडी में अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि जन सामान्य को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु निरंतर सड़कों के चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। व्यापारी बंधु अपने सामान दुकान के बाहर ना लगाएं तथा सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य की सफलता में जन सहयोग आवश्यक है। पार्किंग स्थल में ही गाड़ियों को खड़ी की जाए तथा ट्रैफिक नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शहर को सुंदर, स्वच्छ, सुगम एवं व्यवस्थित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में जन सहयोग अपेक्षित है। जनपद में स्मार्ट रोड, स्मार्ट जैक्सन बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने महवा मंडी में रोड और नाली निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान नगर निगम को निर्देश दिए कि 15 जून तक अधूरे कार्यों को 100% पूर्ण कर लिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने ओम नगर बशारतपुर में खडंजा एवं नाली निर्माण के कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता नगर निगम को निर्देश दिए कि मौके का भ्रमण कर निरीक्षण आख्या 26 मई तक प्रस्तुत करें। महवा ट्रांसपोर्ट नगर में विद्युत की समस्या का समाधान एक सप्ताह के अंदर करने के निर्देश विद्युत विभाग के अभियंता को दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा कि पुलिस जनपद की सुरक्षा के प्रति समर्पित है, सड़क अनुशासन दिखे इस दिशा में सभी का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि 100% सफलता जन सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका निराकरण कराया जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण तथा व्यापार बंधु उपस्थित रहे। तो आप एक काम करिए ना, कल इनके साथ भ्रमण करिए, कल इनके साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ भ्रमण करिए और मुझे आज्ञा भेजिए शाम तक कल, और नहीं हुआ तो उनके खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का लेटर भेजिए मेरे तरफ। सर बरसात हमारे सिर पे आज पहुंच चुकी है, व्यापारी एकदम बर्बाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने रोड नाला बहुत बढ़िया बनवा दिया है, परंतु नगर निगम की लापरवाही से वो नाला अभी तक जोड़ा नहीं गया है, तो पानी रिटर्न पूरा मंडी के अंदर आता है, व्यापारियों की दुकानों में घुस जाता है। सर नाला बना ही नहीं है, सर नाला बना ही नहीं है। आप ये कहना है कि वहाँ से जहाँ तक गला मंडी का नाला बना है वहाँ से लेके आपका मुख्य नाले तक जॉइंट क्या? सर जो जनरेटर से पूरा नाला आया हुआ उसकी वजह से पानी का फ्लो पूरा उधर जनरेटर तक नहीं होगा। फॉर्म करके भेजोगे? नहीं सर, वो ट्रांसफॉर्मर को हम रेस करते हैं। कब तक करोगे? सर टेंडर सब आप हो जाए नहीं किया है और ना इस पे ध्यान दे रहा है। ये दूसरी बात कर रहे हैं कि हम पंप लगा देंगे, पंप पानी आएगा, मैं पंप भी कह रहा हूँ कि दो पंप हमने ले लिया। बताइए ना, पंप तो सर रेगुलेटर में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पता नाले कहाँ से। वो अलग बात, मैं कह रहा हूँ कि जो ये किसका पानी सर देता है। अच्छा, तो एक बार कल निरीक्षण करके मुझे रात शाम तक आके समझाइए, नक्शे के साथ फोटो के साथ आके समझाइए। दोनों मामलों में करते हैं, 5 और 6 तो पालन आया है कि वो जल हाँ पालन आया है जल हो गया हो गया ठीक है। चलिए, ये किसने किया था? विद्युत विभाग ने। वेरी गुड। नेक्स्ट में व्यापार अनिल कुमार जायसवाल जी ने बताया था कि 8 KV का नाम पर चोरी निविपाव में रेलवे क्रॉसिंग चोरी चौरा के पास था, इसका काम हो गया? ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, अजय कुमार सिंघानिया द्वारा बताया गया था सबसे बड़ी मंडे महेवा का, ये विद्युत विभाग नौ मीटर का, विद्युत विभाग कहाँ है?
क्या सर SDO साइट पे विजिट पे है सर? कौन सी साइट पे?